नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है इथर, यानी कि दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया एल्कोहल, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल कैसे बनता है और एल्कोहल का यूज क्या होता है। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इथर, इथर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इथर जिसका जो फॉर्मूला फॉर्मूला होता है CnH2n+1, H2n+1 का होल ट्वाइस और O होता है। ठीक है दोस्तों, और एक ऑक्सीजन होता है जिसके ऐसे दो बॉन्ड निकले होते हैं। यहाँ पे हम दोनों पे कोई सेम ग्रुप लगा सकते हैं तब ये ईथर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम n=1 रखते हैं, देन ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस और O, यानी कि जब इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, CH3O CH3। आप देखें ना, ये O बीच में आ गया, ऑक्सीजन दोनों साइड बॉन्ड से CH3 जुट गया, देख रहे CH3 यहाँ पे दो है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग नामकरण करते समय कैसे नामकरण करेंगे, नामकरण करते समय इसमें हम लोग लास्ट में इथर लगा देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप है, तो हम लोग दो के लिए जानते हैं आप लोग कि हम लोग डाई यूज करते हैं, डाई फिर मेथिल ग्रुप है तो मेथिल, और लास्ट में इथर लगा देते हैं, तो इसका नामकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर n=2 रहते हैं, n=2 देने हो जाएगा C2H5O। अब इसको हम लोग लिखते हैं C2H, सॉरी यहाँ पे दो रहेगा, H5O फिर C2H5। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 फिर O फिर CH2CH3, बात वही है दोस्तों, देख रहे हैं C2H5 हो जा रहा है, C2H5 हो जा रहा है, बात वही है। तो इसको लिखने के लिए, इसका नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं ये एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप अभी दो ठो है, तो हम लोग लिखेंगे पहले डाई, दो के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, डाई पता है ना दोस्तों, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो डाई, अब यहाँ पे ये मेथिल नहीं है, मेथिल ये एथिल है, तो डाई एथिल इथर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इथर होता क्या है और इसका जो है कि जनरल फॉर्मूला और ये कैसे इसका नामकरण होता है, वो हम लोगों ने आज देखा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे, आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।